ये बड़ी खबर जरा ध्यान से देखें। रेलवे ने आज देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस का संचालन शुरू कर दिया है। हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट का 188 किलोमीटर का सफर गतिमान एक्सप्रेस ने 100 मिनट में तय किया है। 100 मिनट 188 किलोमीटर का सफर, लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें लोचा क्या है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप कुछ चीज समझे, यहां पर छलावा हम क्यों कह रहे हैं, क्यों शताब्दी से ज्यादा स्पीड पर जाती है। छलावे की पहली वजह यह है, स्टेशन हजरत निजामुद्दीन से नई दिल्ली से और यहां से आगरा कैंट से, ये नई दिल्ली से आगरा और हजरत निजामुद्दीन से आगरा, देखें दोनों में डिफरेंस देखें, वो गतिमान एक्सप्रेस है, ये शताब्दी है, भोपाल शताब्दी। इसकी रफ्तार है 188 किलोमीटर, इसकी रफ्तार है 195 किलोमीटर। फर्क समझें आप, अब आप समझें, गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यों क्यों, इसकी वजह आप समझें, इसकी वजह यह है कि भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो नई दिल्ली से निकलती है, नई दिल्ली से बाहर तक पहुंचते पहुंचते उसको 10 मिनट लग जाता है और ये सीधे सीधे निजामुद्दीन से निकल रही है। 100 मिनट इसको लगता है, 117 मिनट इसको लगता है, इसके 117 में से अगर आपने 10 मिनट ऐसे काट दिए तो 107 मिनट के आसपास हो गया, कोई ठहराव नहीं। मथुरा में एक मिनट का स्टॉपेज, वो भी काट लीजिए आप, और कई बार आउटर पे भी रुकना पड़ता होगा। चेयर कार 750 रुपए और ये चेयर कार 515 रुपए, दोनों का ये किराया है। तो एक बार फिर से बहुत तेजी से एक बार शुरू से फिर से वो ग्राफिक दिखाते हैं आपको, एक बार शुरू से समझ लें आप। दरअसल गतिमान एक्सप्रेस निकलती है निजामुद्दीन से, भोपाल शताब्दी निकलती है नई दिल्ली से। गतिमान एक्सप्रेस जो है जब वो निकलती है निजामुद्दीन से तो सिर्फ 100 मिनट में पहुंच जाती है और इसको लग जाते हैं 117 मिनट। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन को, भोपाल शताब्दी को, नई दिल्ली से बाहर तक पहुंचते पहुंचते कम से कम 10 मिनट लग जाते हैं। यह दूरी 195 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि नई दिल्ली से शुरू होती है, वो 188 किलोमीटर है क्योंकि निजामुद्दीन से शुरू होती है। 100 किलोमीटर का जो क्लेम है वो गलत है, ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मिनट और 117 मिनट, 117 मिनट में 10 मिनट तो आप आउटर के माइनस कर दीजिए जो नई दिल्ली से निकलती है, और एक मिनट मथुरा का स्टॉपेज। अब आप समझें कि हम जो ट्रेनें चला रहे हैं उसमें सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा ऊपर करने से तो स्पीड नहीं आएगी। वक्त एक ब्रेक का। एनआईए अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई, बिजनौर में एनआईए अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, फुटवर्क करेक्ट, दिस इज कोहली वेरी कोहली वेरी कोहली वेरी बी, मेंटेन दिस, हां दिस इज कोहली वेरी।